अम्बाला नागरिक अस्पताल में बन रहे ऑक्सीजन प्लांट का कार्य किन्हीं कारणों से लेट हो गया है। ऑक्सीजन प्लांट को शुरू करने में अभी और 2 से 3 सप्ताह लग सकते हैं, क्योंकि अभी प्लांट का कार्य पूरा होना बाकी है। अस्पताल के SMO के अनुसार प्लांट की लाइफ बढ़ाने में मशीनरी की सेफ्टी के लिए स्ट्रक्चर में कुछ बदलाव भी किया गया है, जिस कारणों से प्लांट शुरू होने में थोड़ा समय लग रहा है। बता दें, बढ़ते कोरोना काल में ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने के लिए अम्बाला कैंट नागरिक अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाने का कार्य शुरू किया गया, जिसकी क्षमता 1000 लीटर पर मिनट की है। ऑक्सीजन प्लांट में हो रही देरी के कारणों के बारे में जब डॉक्टर बीने से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि इस प्लांट का ठेका 2 कंपनी के पास है। पहले बन रहे स्ट्रक्चर में कंपनी ने कुछ बदलाव किए हैं, जिसका नक्शा बनकर आ चुका है। कंपनी ने प्लांट की लाइफ बढ़ाने में मशीनरी की सेफ्टी के लिए पहले जो शेड डालना था, अब उसकी जगह RCC लेंटर डाला जाएगा। उन्होंने बताया कि हालांकि अब अस्पताल में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, पर प्लांट के लगने के बाद अब जो ऑक्सीजन बाहर से मंगानी पड़ती थी वह बाहर से नहीं मंगानी पड़ेगी। वहीं उन्होंने बताया कि ऑक्सीजन प्लांट का कार्य 2 से 3 सप्ताह में पूरा हो जाएगा। ये हमारे यहाँ पर जो PSC ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगना था, यह केंद्रीय सरकार द्वारा जो इनिशिएटिव लिया गया कि बहुत सारे अस्पतालों में ये प्लांट लगाए जा रहे थे, उसमें हमारा अस्पताल भी एक था, तो इसमें 2 कंपनियाँ इन्वॉल्व थी, जिसमें कि जो सिविल वर्क है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा किया जाना था, और इसमें मशीनरी जो है वो हाइट्स कंपनी द्वारा लगाई जानी थी। तो हमने आदेश प्राप्त होते ही बहुत जगह को चिन्हित करके नेशनल हाईवे अथॉरिटी को बता दिया, जिनके द्वारा काम शुरू कर दिया गया था, और 24 घंटे के अंदर ही उन्होंने फाउंडेशन भी इसकी तैयार कर दी गई थी। परंतु उसके बाद एक बार ये काम रुक गया, पता करने पर यह मालूम हुआ कि जो इसमें मशीनरी लगनी है वो 1000 लीटर पर मिनट के हिसाब की क्षमता वाला इसमें प्लांट लगेगा, और पहले इसके लिए एक टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर बनाया जाना था जिसको लगाने में लगभग 1 सप्ताह का समय लगना था। परंतु कंपनी द्वारा इसकी लाइफ बढ़ाने के लिए और मशीनरी की सेफ्टी के लिए इसमें इसका जो स्ट्रक्चर बनना है शेड का, अब उसको ब्रिक वर्क में चेंज कर दिया गया है, जिसके ऊपर RCC का लेंटर वर्क भी किया जाएगा। तो इसका डिज़ाइन जो है वो अब हर जगह पर जहाँ पे भी प्लांट लगना है तो एक यूनिफॉर्म डिज़ाइन कंपनी द्वारा बनाया गया, तो इस डिज़ाइन के लिए इसको थोड़ा सा हॉल्ट किया गया था। वो डिज़ाइन बनकर तैयार होके आ चुका है और रविवार से ही इसका कार्य पुनः शुरू हो गया है। अब चूंकि ये एक पक्का स्ट्रक्चर है तो इसमें 2 से 3 सप्ताह का समय लगेगा। इसके साथ ही मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जिला प्रशासन द्वारा जो लिक्विड ऑक्सीजन की हमारे लिए व्यवस्था कर दी गई है, अब हमें ऑक्सीजन की किसी भी प्रकार की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ रहा। जितने भी हमारे ऑक्सीजन पॉइंट्स हैं उसमें किसी पर भी ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, और हम अपने बेड क्षमता को भी 30 बेड से बढ़ाकर 120 पर ले गए हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स जितने हमारा 100 बेड का अस्पताल है ये फंक्शनल है इस समय, और इसमें हम 120 तो सिर्फ कोविड के पेशेंट्स को ही देख रहे हैं, और उसमें भी ऑक्सीजन की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। खबर नामा हरियाणा के लिए अम्बाला से पारुल गर्ग की रिपोर्ट।